सुबाई जो है आमतौर पे शायर नहीं कहते, लेकिन नात को उसको भी लेके साथ चल रही है, और इसके अलावा जो हाइको है उसको भी साथ लेके चल रही है अभी तक। तो गजल के इख्तियार करने की वजह के आज का शायर गजल क्यों इख्तियार कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है कि गनाइयत की एक वजह है, लेकिन असल वजह ये भी है कि शायरी जो कि बहुत ज्यादा गजल में होती है उसी में सुनी जाती है, ट्रेनिंग हमारी उसी में होती है। तो जब शेर कहने के लिए आते हैं तो लामहाला गजल को ये इख्तियार करते हैं, जो हम सुनते हैं जो इर्द गिर्द से वसूल करते हैं वही हम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमारे इर्द गिर्द नजर जो है कसाइद का आज माहौल होता तो मुमकिन है कि नए शायर कसाइद से शुरू करते। जी साथियों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीसरी कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस 2024 जो कि मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में इनेकाद पज़ीर है और मुख्तलिफ सेशंस यहाँ पर जारी हैं। इस वक्त यहाँ पर चाय का और नमाज असर का वक्फा है और ये जो अगला हमारा इख्तितामी सेशन है मुशायरे से पहले का उसके लिए यहाँ पर अब दोस्त आना शुरू हो गए हैं और ये सिलसिला यहाँ पर जारी है। डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी हॉल है जहाँ पर मरकजी जो सेशंस हैं इस आज की नात कॉन्फ्रेंस के वो यहाँ पर हो रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इस हॉल का मंजर। यहाँ पर अब इख्तितामी सेशन कुछ ही देर में शुरू हुआ जाता है जिसके बाद फिर नातिया मुशायरा कौमी नातिया मुशायरा इंशाल्लाह होगा। तो ये इस हॉल के अंदर मरकजी तकरीबात तीसरी कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद हो रही हैं। दूसरा हॉल आज की तकरीबात के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो ये है सैयद ताहिर अलाउद्दीन अलकादरी हॉल। यहाँ पर अभी चाय का जैसा कि वक्फा था तो चाय के वक्फे में दोस्त अहबाब जो इस कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं वो इस हॉल में भी चाय का इंतज़ाम किया गया और दीगर कुछ सेशंस भी यहाँ पर हुए और अब ये दोस्त यहाँ से चाय के वक्फे के बाद मरकजी जो हॉल है आज की कॉन्फ्रेंस का उसकी तरफ रवाना है जहाँ आज की कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन होगा। राह में ला तरफाऊ था पेशे नजर, सुभान अल्लाह, सना की राह में ला तरफाऊ था पेशे नजर, इसीलिए तो मैं मध्यम सुखन तराश हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। आप उसकी भी सुना करते थे पहरो बातें, आप उसकी भी सुना करते थे पहरों बातें, वो जिसे पास कोई अपने बिठाता।